हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का महा छठ पर्व से पहले ही आप सभी का चौथा किस्त आ जाना चाहिए था। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो पहले ही डेट कर चुके थे कि महा छठ पर्व से एक या दो दिन पहले आप सभी के बैंक खाते में 1000 रुपये की राशि पहुँच जाएगी और 2500 रुपये दिसंबर से आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन महा छठ पर्व समाप्त हो चुका है और लास्ट ही दिन बचा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी के खाता में पैसा नहीं आया है। क्या कारण है, किस वजह से नहीं आ पा रहा है, किस किस को अगर आएगा अभी तो किसको आएगा, क्या रुकने की समस्या क्या है, क्या नियम बदले हैं, इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग कंप्लीट देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूँ MD शाहजादा आलम, आप देख रहे हैं झारखंडी टेक्नोलॉजी। आप लोग अगर वीडियो पर न्यू आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। किसी भी सरकारी योजना से रिलेटेड मैं इस वीडियो चैनल पे वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। छठ पर्व जो कि अब समाप्त होने ही वाली है, लेकिन अभी तक किसी के खाते में पैसा पहुंची है या नहीं पहुंची है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग विद प्रूफ के साथ दिखाएंगे। इसमें कुछ सस्पिशन है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप लोग अगर इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा तो ये 100% क्लियर हो जाएगा और यह और लोगों को भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का चौथा किस्त तो सभी को नहीं आया है, पर इसमें सस्पिशन वाली बात यह है कि सरकार जो बार बार दावा कर रही थी इतना इस डेट को दिया जाएगा, तो सरकार तो अभी फिलहाल पावर में है नहीं, तो विभाग का ये काम है, ठीक है दोस्तों। विभाग जो है महिला बाल विकास जो विभाग है वही पैसा दे रही है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का, लेकिन हो सकता है उसके पास मतलब कि उसका अलॉटमेंट रहता है कि सरकार दे देती है इतना फंड आपको दे दिए गए, इतना में आपको विभाग को कम करना है, तो वो हो सकता है कम होगा, इस वजह से सभी को पैसा नहीं बटा जा रहा है। सरकार जैसे ही बनते ही आएगी तुरंत वो पैसा फंड मिलेगा, उसके बाद फिर ये पैसा दिया जाएगा। उससे सबसे पहले हम लोग और अभी एक चीज़ देखते हैं कि देखिए क्या क्या चीज़ों के इसके बारे में जिक्र किया गया है और पैसा जो मिला है ये किस डेट में मिला है और ये कौन सा इंस्टॉलमेंट का मिला है, चलिए उसके बारे में हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये जो मिला है दोस्तों 1000 रुपया मिला है 5/11/2024 को, ठीक है। और इसमें ये देख लीजिए कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये जिसका भी है दोस्तों, उसका ये सस्पिशन वाली बात है कि उसका दोस्तों मतलब कि सेकेंड या फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद का मिलना था, क्योंकि वो शुरू से फॉर्म नहीं भर पाई थी, तो उसका सेकेंड थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट मिला या फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट मिला है, मतलब चौथा किस्त इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगर दोस्तों किसी का भी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और चौथा किस्त आपका मिल चुका है तो आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ मेरा पैसा मिल गया चौथा किस्त, ताकि सामने वाले लोगों का और कन्फ्यूजन क्लियर हो, क्योंकि इसका ये चौथा किस्त है, ठीक है। तीसरा और चौथा किस्त नहीं मिला है, तो हो सकता है ये तीसरा मिला हो, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों का अभी तक पैसा मिला ही नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जिसका तीसरा किस्त आ चुका है उसका चौथा किस्त नहीं मिला है, तो हो सकता है किसी को मिला या फिर किसी को नहीं भी मिला है। देखिए सरकार जब आएगी है तो योजना अलग अलग एक से एक बता रही है कि ये लाएंगे वो लाएंगे, लेकिन जिसका अभी तक ये दी है उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये सरकार दे रही है कि सरकार की इच्छा शक्ति रहे तो तुरंत करीब 20 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। हमारी सरकार अपने पहले एक वर्ष में ये सारी सरकारी पद भर दी जाएगी, 6,64,565 पद है दोस्तों। ये अगले जो इलेक्शन हुआ तो उस समय भी बोला गया था, लेकिन वो दिया नहीं गया था, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अब इस बार सरकार किसकी बनती है, उसके बाद किसका क्या क्या मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अभी और अपडेट देखते हैं क्या क्या है और कौन कौन सा योजना के बारे में बात किया गया है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, किसान कल्याण गारंटी, किसान कल्याण, ठीक है, 2400 से बढ़कर 3200 कराने के साथ साथ लाह तसर कसर इमली महुआ ये सब साल में जितना भी है 50% वृद्धि की जाएगी। और देखिए दोस्तों, राज्य के सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज दिए जाएंगे दोस्तों, जिसके प्रखंड में अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है दोस्तों, ये डिग्री कॉलेज दिया जाएगा। इसके बारे में दोस्तों बहुत सारा अलग अलग है, भारतीय जनता पार्टी भी अपना अलग अलग दावा पेश कर रही है और ये भी JMM का अपना दावा पेश कर रही है, तो देखते हैं दोस्तों कौन सा सरकार बनने वाली है, उसके बाद कौन कौन सी योजना चलेगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जुड़े रहिए और इसी तरह के अपडेट के लिए आप लोग जुड़े रहिए, छोटा छोटा डिटेल में हम लोग बताते रहेंगे। और दिसंबर से मिलेगा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का 2500 रुपये। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।